आशीर्वाद। हमने सोचा इतनी जल्दी जल्दी रिश्ते बदल रहे हैं तो ये नए रिश्ते बनने से पहले हम आप लोगों का आशीर्वाद तो ले लें। मतलब अब तक आप हमारे अंकल आंटी थे लेकिन अब सासू माँ और ससुर जी हैं। मुझे तो तुम अभी से ही सासू माँ कहना शुरू कर दो। खुश रहो और मेरे अनुष्का को भी हमेशा खुश रखना। खुश रहो। बाहर लॉन में मिलते हैं सर। ये ठीक नहीं हुआ। अनुष्का को एक बार भी श्रीवास्तव फैमिली के रेपुटेशन का ख्याल नहीं आया। क्या कहेंगे हम लोगों को? क्या कहेगा वेदांत? ये न्यूज हर जगह शाम तक ट्रेंड होने लगेगी। हेलो। हेलो कार्तिक, आई एम सो सॉरी, हम एंगेजमेंट में नहीं आ पाएंगे। आने की कोई जरूरत भी नहीं है, एंगेजमेंट हो चुकी है। आप इतने गुस्से में क्यों बोल रहे हो? हम तो बस अपने एहसान फरामोश भाई से पूछूंगी मैं गुस्सा क्यों, समझी? तुम अपनी बहन को बहुत स्पेशल मानते हो ना कार्तिक। श्री भी कहते हैं कि अनुष्का के लिए ना कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं चलेगा, कोई स्पेशल लड़का ही उसे सिर्फ खुश रख सकता है। तो आज जब अनुष्का ने खुद उस स्पेशल लड़के के बारे में तुम सबको बताया तो तुम दोनों को इतनी प्रॉब्लम क्यों हो रही है? हम सबको तो खुश होना चाहिए कि अनुष्का को उसका मन चाहा लाइफ पार्टनर मिला। मुझे गुस्सा इस बात का नहीं है रिधि कि अनु ने सिद्धांत को चूज किया, बल्कि इस बात का गुस्सा है कि सिद्धांत ने हमारा ही फैमिली मेंबर बनकर हमारी पीठ पीछे ये सब किया। हमें पहले से ही मालूम होना चाहिए था कि सिद्धांत की नजर हप्पा के पैसों पर है। हम तो जानते ही थे कि वो कितना एम्बिशियस है और आगे पढ़ने के लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन इस बार उसने आगे पढ़ने के लिए अनुष्का का इस्तेमाल किया, हमारी बहन का इस्तेमाल किया है। अगर उसे लगता है कि ये सब करके वो बच जाएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। सिद्धांत बाबा बधाई हो। थैंक यू राव जी। लेकिन आज तुम गड़बड़ कर दिया, सबके सामने तमाशा कर दिया, केके सर को शर्मिंदा होना पड़ा। एनीवे जाते हुए केके सर को सॉरी बोल देना। अबे सुन बे राव, तू नौकर है तो नौकर की तरह ही रहे, ज्यादा फैलने की जरूरत नहीं है। हमें क्या करना है और क्या नहीं इसके लिए हमें तेरी परमिशन की जरूरत नहीं है। तू के रेड्डी का कुत्ता है, उसके सामने ना बस तुम ही हिलाते रहे। और याद रखना हम इस घर के होने वाले दामाद हैं, और अगर कभी लाइन क्रॉस की ना तो हाथ उठाने से बाज नहीं आएंगे। आओ सिद्धांत। गांठ बांध लो हमारी बात। ऐसा क्या बात है जो अकेले में करना चाहता था? अब जब हमने सोच ही लिया है कि हम जो करेंगे तरीके से करेंगे तो हमने सोचा सबसे पहले आपको सॉरी बोल देते हैं। सॉरी? किस बात का? पिछले दिनों बहुत कुछ पीठ पीछे चोरी छुपे हुआ है, हमने बहुत गुल खिलाए, लेकिन अब हमें एहसास हो गया अपनी गलती का। हमने सोचा कि जो हमने किया वो हमें नहीं करना चाहिए था। भूल जाओ सिद्धांत, जो हुआ सो हुआ। अनुष्का तुमको प्यार करता, केके के लिए यह सबसे इंपॉर्टेंट बात।
हम इस बात के लिए सॉरी नहीं कह रहे हैं। अनुष्का से तो हम जी जान से प्यार करते हैं, उसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। सॉरी तो हम एक दूसरी वजह से कह रहे हैं। और क्या किया तुम? समझाते हैं ना केके सर, बस पांव जमीन पे गड़ा के रखिएगा, कहीं पैरों तले जमीन ना निकल जाए। वो जो सुधांशु सर और गोयल का कांड हुआ था ना, उसमें सुधांशु सर की कोई गलती नहीं थी। स्टेज पे उछलती कूदती उन कठपुतलियों की डोर हमारे हाथ में थी। मिखेल की जो फोटो आप तक पहुंची थी ना, वो हमने ही भिजवाई थी। और हीरा बेचारी मारी गई बिना बात के, उसके खिलाफ भी हमने ही आपको उकसाया था। लेकिन हमें इस बात का अफसोस जरूर है, क्योंकि हम नहीं चाहते थे कि इस सब में कोई प्यादे की जान जाए। और सासू माँ की भी पहली फिल्म बंद कराने की बात हमने ही उन तक पहुंचाई थी, इसमें भी हम आपके गुनहगार ही हैं। इसलिए आज हम आपके सामने हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगना चाहते हैं, सॉरी कहना चाहते हैं। सॉरी तो और लोगों से भी कहना है, लेकिन हमने सोचा कि शुरुआत आप ही से कर लेते हैं। तुम ऐसा क्यों किया सिद्धांत? केके तुम पर भरोसा किया और तुम केके का भरोसा तोड़ दिया। हमने वही किया है कृष्णकांत रेड्डी, जो तूने हमारे पिताश्री के साथ किया था। मतलब मैं क्या किया प्रभाकर के साथ? अपनी दोस्ती की आड़ में तूने उनके पीठ पे छुरा मारा। पहले उनका भरोसा जीता, फिर उनका खून कर दिया। सिद्धांत, तुम जानता है तुम क्या कह रहा है? हम वही कह रहे हैं केके रेड्डी, जो तू सुन रहा है। हमें मालूम है कि तूने हमारे पिताश्री का खून किया है। तूने हमारे पिताश्री को 25 years of रेड्डी कॉर्पोरेशन की किताब के जरिए जहर दिया था। और हमें ये भी मालूम है कि हमारे पिताश्री तेरी दी हुई किताब को पढ़ते पढ़ते स्लो पॉइजन थूक से निगलते गए और उनकी मौत हो गई। हमें मालूम है कि वो प्लेन क्रैश के मुजरिम के बहुत करीब पहुंच गए थे। फिर वो लीगल एडवाइजर ने शर्लक होम्स होना चाहिए था। और हमें ये भी मालूम है केके रेड्डी कि वो प्लेन क्रैश ने करवाया था। जब हम एक क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं तो क्यों छोड़े उसको? ये पुलिस का काम है प्रभाकर, उनको करने दे। तूने अपने डॉक्टर से हमारे पिताश्री का पोस्टमार्टम करवाया, उसने सबके सामने झूठी रिपोर्ट पेश की, जिसमें उसने सबको बताया मौत दिल का दौरा पड़ने से हुई है, किसी तरह की गड़बड़ की कोई गुंजाइश नहीं। सिद्धांत, ये तुम क्या बोल रहा है? केके अपना फ्रेंड को कभी नहीं मार सकता। तुमको कोई बहुत बड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है। प्रभाकर का मौत हार्ट अटैक से हुआ था। केके रेड्डी, ये अपना ड्रामा बनकर
हम तेरा असली चेहरा जान चुके हैं। एक चीज और तुझे देनी है जो हमारे पिताश्री खुद तुझे नहीं दे पाए, ये प्रभाकर सिन्हा का रेजिग्नेशन लेटर है। अब इसे हमारा भी रेजिग्नेशन समझ लेना। बेटी के चेहरे में स्माइल देखकर तेरे चेहरे की स्माइल क्यों गायब होगी केके रेड्डी? कहीं तुझे ऐसा तो नहीं लग रहा कि इस जंग में हम तेरी बेटी को तेरे ही खिलाफ इस्तेमाल करेंगे? तो ज्यादा मत सोच केके, क्योंकि हम तेरी तरह गिरे हुए इंसान नहीं है, और यही बात तुझे हमसे अलग करती है। हम प्रभाकर सिन्हा के बेटे हैं, और अनुष्का के लिए हमारा प्यार 100% खरा है। और तुझे भी इस जंग में अपनी बेटी को शामिल नहीं करना चाहिए, तेरे और हमारे बीच में है। अब तू तैयार हो जा, तेरी लंका जलाने का वक्त आ गया है। हम तुझे बर्बाद कर देंगे। के कुछ बोलता नहीं, इसका मतलब यह नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा। अपना जबान को लगाम दे और अपना इमेजिनेशन को भी। ये सब तेरा ये वहम है। केके का प्रभाकर का मौत से कोई लेना देना नहीं। और एक बात याद रख, कृष्णकांत रेड्डी बहुत बड़ा आदमी है, चाहे तो तुझे चींटी की तरह मसल सकता है। तू जानता है कि हमें खुद पर इतना भरोसा क्यों है? क्योंकि आज यहां तेरे सामने सिद्धांत सिन्हा नहीं, सिद्धांत प्रभाकर सिन्हा खड़ा है। एक वो प्रभाकर था जो तेरे साथ खड़ा था, जिसने तुझे बनाया, तुझे यहां तक पहुंचाया। और एक ये प्रभाकर है जो तेरे खिलाफ खड़ा है और तुझे मिट्टी में मिला देगा। सुन बे गुलाब,
भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट डाल पे इतरा रहा है कैपिटलिस्ट जिसके हस्बैंड ने ही उसका करियर शुरू होने से पहले ही खत्म करवा दिया हमें तो विश्वास नहीं होता सर सुधांशु सर सर हमें पता चला है कि आपका नेटवर्क हैक किसने करवाया था किसने मिस हीरा सानिया ने वो चाहे ना चाहे तुम दोनों का शादी इसी संडे को होगा कहाँ रह गया था तू तेरा फोन भी नहीं लग रहा है फोन कहीं गिर गया था माँ ये क्या हुआ ये चोट कैसे लगी तुझे हाँ बताते हैं ना माँ अब अंदर तो चलिए हाँ वो तो ठीक है पर बता ना हुआ क्या कैसे लगी तुझे इतनी सारी चोट हाँ माँ बताते हैं आप बैठिए तो हम बैठ जाएंगे तू बता तेरे को हुआ क्या और सुन सच सच बताना अपने आप से डिसाइड मत कर लेना कि माँ हैंडल नहीं कर पाएगी माँ सब कुछ हैंडल कर सकती है बता आज अनुष्का की एंगेजमेंट थी माँ मालूम है पूर्वा कह भी रही थी जाने के लिए हमने मना कर दिया आपने पूर्वा को पिताश्री के बारे में बता दिया सिद्धांत हमने क्या डिसाइड किया था उसे इस सबसे दूर रखेंगे है ना बच्ची है सह नहीं पाएगी तो फिर आपने क्यों बताया उसे अरे कहाँ बताया हमने कुछ नहीं बताया उसे हमें उसे कोई वजह देने की जरूरत नहीं है हमने कहा नहीं जाना है तो बस नहीं जाना है और मालूम है उसे क्या लग रहा था कह रही थी कि भाई जरूर जाएंगे हमने कहा नहीं आज भाई नहीं जाएगा तू भी अब बातों को पता नहीं कहां से कहां लेके चला गया तू बता तुझे चोट कैसे लगी सिद्धांत तू अनुष्का की एंगेजमेंट में गया था वहां हम गए थे वहां ये जानते हुए भी कि उन्होंने तेरे पापा के साथ उसके बावजूद भी तू चल क्या रहा है तेरे दिमाग में हाँ माँ वहां बैठी है और समझने की कोशिश की क्या 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 समझने की कोशिश करे क्या बोल क्या रहा है तू क्या क्या बोलेगा ज्यादा से ज्यादा अनुष्का तेरी पुरानी दोस्त है इसलिए हम भी पसंद करते थे अनुष्का को बहुत पसंद करते थे लेकिन के ने तेरे तेरे पापा को हमारे सामने वो स्लो पॉइजन देके तड़पते रहे हमारे सामने हम कुछ नहीं कर सके इसलिए अब उस परिवार से हमारा कोई रिश्ता नहीं है और अनुष्का से भी नहीं हमने अनुष्का से एंगेजमेंट कर लिया मां For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.